हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ थाना के बहुत ही फेमस पॉपुलर मॉल में, जो कि है दुर्गियाना मॉल। और यहाँ के फूड कोर्ट को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, देखने वाले हैं बहुत सारी जगह ट्राई करके कि कौन सी जगह की कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा टेस्टी है या क्वालिटी में अच्छी है। तो आप जब यहाँ पर आए तो आपको एक थोड़ा सा रेडीमेड मेन्यू मिल जाए कि आपको यहाँ पर ट्राई करना है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं हर चीज़ को प्राइस के साथ बताने वाली हूँ, उसके इंक्लूजन्स बताने वाली हूँ, और मुझे इन सारी चीज़ों के और मुझे इन सारे आउटलेट में से सबसे बेस्ट फूड जो लगा है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का फूड एक्सप्लोर करने वाला टूर इन दुर्गियाना मॉल थाना। तो सबसे पहले हमने सोचा कि सब्वे ट्राई करते हैं, और हमने ये सब्वे से लिया है इटालियन बीएनटी। ये हमने मेक योर ओन सब जो होता है तो उस तरीके से ऑर्डर किया था, और वेजिटेबल्स में हमने डाला था लेटस, अनियन एंड कैप्सिकम, दैट्स इट। सॉसेस में हमने डाला था चिपोटले साउथ वेस्ट, स्वीट अनियन, मेयो एंड तंदूरी मेयो। और जो ब्रेड हमने ली है यह है पार्मेजान ओरिगैनो ब्रेड, और इसे टोस्ट करके हमने लिया है। तो चलिए देखते हैं कैसा लग रहा है ये कॉम्बिनेशन सब्वे सैंडविच का। ये 6 inches का सब है। इसका जो फर्स्ट बाइट लिया है तो जो ब्रेड का टेस्ट है ये बहुत ही सुपर्ब है। पार्मेजान ओरिगैनो ब्रेड ली थी हमने, ओरिगैनो स्प्रिंकल किया हुआ है ब्रेड के ऊपर। ब्रेड की क्वालिटी सुपर्ब है और उसके अंदर पार्मेजान चीज यूज किया हुआ है। सेकंड बाइट ट्राई करके देखते हैं कि कैसे लगता है। इसमें चिकन सलामी डालते हैं, अच्छा टेस्ट लग रहा है, बहुत ही हेल्दी चीज है, फ्राइड नहीं है। और मैंने एक्चुअली सब्वे बहुत सालों पहले एक बार ट्राई किया था, तब मुझे अच्छा नहीं लगा था, बट आज जो मैंने ट्राई किया है ये अच्छा लग रहा है। मालगुड से हमने स्टीम राइस चटनी ऑर्डर की है, इसके साथ में इन्होंने दी है सांभर और दो चटनीज है, एक तो कोकोनट चटनी है और दूसरी जो रेड चटनी यूजुअली किसी भी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में लोग देते हैं वो साथ में दी हुई है। तो देखते हैं इडली का टेस्ट कैसा है। इडली सॉफ्ट है, स्पॉन्जी है, इडली को मैं पहले ट्राई करती हूँ कोकोनट चटनी के साथ, अब ट्राई करते हैं रेड चटनी के साथ। बोथ द चटनी आर इक्वली गुड। सांभर ट्राई करती हूँ, सांबर इज टू गुड, बहुत ही अच्छा है। इडली एंड चटनी से भी ज़्यादा अच्छा इनका सांबर लग रहा है मुझे। दिस इज फ्रॉम मालगुड़ी और ऑथेंटिक साउथ इंडियन मिलता है ऐसा मैंने सुना है, तो हमने इनसे एक वेज केरला थाली भी ले ली है, चलिए उसे ट्राई करते हैं। सो ये है वेज केरला थाली, और देखते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसी है, क्योंकि हम केरला फूड के फैंस तो हैं ही। मैंने ऑलरेडी एक ब्लॉग इसके ऊपर बनाया हुआ है केरला फूड का, अगर आपने मिस कर दिया हो तो आप देख लीजिए। मैं यहाँ लिंक दे रही हूँ बेलापुर खाऊ गली का, जहाँ पे ऑथेंटिक केरला फूड मिलता है। तो चलिए मालगुड़ी की वेज थाली ट्राई करते हैं। केरला थाली में इन्होंने दिया है एक पापड़म, जो कि यहाँ आते आते नरम हो चुका है। 2 pieces ऑफ अप्पम है, इसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 2 नीर डोसा या 1 केरला परोठा के साथ। अप्पम बहुत सॉफ्ट है, एकदम जालीदार दिखाई दे रहा है और टेक्सचर बहुत ही बढ़िया है। मटर पनीर की सब्जी दी है इन्होंने वेज केरला थाली में, जो कि मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि पनीर इज़ नॉट अ स्टेपल डिश ऑफ केरला। एनीवेज आई जस्ट होप कि टेस्ट अच्छा हो। ये जो दूसरी सब्जी है कुछ पालक बेस्ड ग्रेवी दिखाई दे रही है, और बीन्स है इसमें, हरी मटर है, कॉलीफ्लावर है यानी कि फूल गोभी, एंड आई थिंक ये शायद केरला स्टाइल होगी।
और ये दाल दी है इन्होंने, जबकि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि सांभर होगी, क्योंकि जब हम लोकल केरला फूड एक्सप्लोर करने जाते हैं वहाँ पर तो मोस्टली सांभर होती है हर जगह पर, ना कि दाल। साथ में दिया है प्लेन राइस और ये दिखाई दे रहा है शीरा यानी कि सूजी का हलवा, और इसके साथ है बटर मिल्क। तो अपम को ट्राई करते हैं सब्जी के साथ, और सब्जी कौन सी है, वाओ, पनीर की सब्जी के साथ। ऑथेंटिक साउथ इंडियन तो सिर्फ अपम है, मटर पनीर की सब्जी केरला में आई डोंट थिंक पनीर इज अ मेन डिश, बट टेस्ट अच्छा है सब्जी का, तो ट्राई कर सकते हैं। ये जो दूसरी सब्जी इन्होंने दी है जिसमें पालक की ग्रेवी बनाई हुई है, इसे देखते हैं कैसी है। इसका भी टेस्ट काफी अच्छा है, इसमें राई का तड़का दिया हुआ है और ये मिक्स वेजिटेबल्स डाले हैं, थोड़ा सा केरला वाली फीलिंग है राई के वजह से, अदरवाइज मिक्स टेस्ट है। बाकी आई डोंट थिंक इसमें कुछ भी केरला ऑथेंटिक है, द सब्जीज आर द रेगुलर वंस, नॉर्थ इंडियन स्टाइल भी है, मुंबई सा सब कुछ मिक्स है, बट इट इज नॉट केरला स्टाइल। अप्पम इज डेफिनेटली केरला अप्पम एंड इट इज रियली वेरी गुड। आप मिक्स टेस्ट ट्राई करना चाहते हो तो आप ये थाली खा सकते हो, अगर आपको ऑथेंटिक केरला अप्पम खाना है तो आप सिर्फ अप्पम ट्राई करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दाल चावल टेस्ट करके देखते हैं, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है, दाल बहुत बढ़िया बनी है, सुपर्ब। अगेन केरला दाल नहीं है ये, दिस इज यूजुअली व्हाट वी मेक यू नो डेली, जो बनाते हैं नॉर्थ इंडियन भी बोल सकते हो, मुंबई कुछ भी बोल सकते हो, बट इट इज नॉट डेफिनेटली केरला स्टाइल। द राइस इज वेरी गुड, लॉन्ग ग्रेन राइस यूज किया है इन्होंने, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का राइस है, सब कुछ अच्छे से कुक्ड है और टेस्ट इज अमेजिंग। नेक्स्ट इज सूजी का हलवा या शीरा जिसे बोलते हैं, बहुत अच्छा सा टेस्ट है, पाइनएप्पल शीरा है ये, पाइनएप्पल का अच्छा सा फ्लेवर आ रहा है इसमें, तो इतनी सारी चीज़ों में मुझे जो अच्छा लगा है, अच्छा तो एक्चुअली सभी कुछ है, बट ज़्यादा अच्छा जो है वो है दाल। दिस मटर पनीर की सब्जी इज क्वाइट गुड, अप्पम इज सुपर्ब। तो आप चाहो तो ये चीज़ें सेपरेटली भी ऑर्डर कर सकते हो, बटर मिल्क हमारी रह गई है चांस, वो हम ट्राई करते हैं, अच्छी है, मसाला छाछ है, वैसे पतली है जैसे यूजुअली छाछ होती है, वैसे ओवरऑल द फूड इज गुड। यह है वक पास्ता से पास्ता पिज्ज़ा कॉम्बो, जिसमें आता है हाफ फार्महाउस पिज्ज़ा एंड वन चॉइस ऑफ पास्ता, जो हमने लिया है वाइट क्रीमी पास्ता, एंड इसमें चॉइस ऑफ वन ड्रिंक आता है जिसमें ऑप्शंस देते हैं स्ट्रॉबेरी, ब्लू लगून और जिंगर लेमनेड, तो हमने लिया है ब्लू लगून, तो देखते हैं पास्ता पिज्ज़ा एंड ब्लू लगून का टेस्ट कैसा है। यह है पास्ता इन वाइट क्रीमी सॉस, बहुत गर्म है, बहुत बढ़िया टेस्ट है, मगर जो सीजनिंग इन्होंने डाली है ओरिगेनो एंड पेपर, सबके फ्लेवर्स अच्छे से आ रहे हैं, बहुत बढ़िया उभर के आ रहे हैं, सॉस का टेस्ट भी बहुत अच्छा है और पास्ता भी बहुत अच्छे से कुक्ड है। ट्राई करते हैं फार्म हाउस पिज्ज़ा, जो पिज्ज़ा पास्ता कॉम्बो हमने लिया है तो उसमें हाफ फार्म हाउस पिज्ज़ा आता है। सो ऑर्डर प्लेस करते वक्त हमने टॉपिंग्स में बताया था बेल पेपर्स, कॉर्न और मशरूम ऐड करने के लिए विद रेगुलर चीज, तो चलिए देखते हैं टेस्ट कैसा है। बहुत अच्छा है, पिज्जा एंड पास्ता बोथ आर इक्वली गुड, तो अगर आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड्स में कोई पिज्ज़ा पास्ता का शौकीन है और अगर आप विवियाना मॉल आ रहे हो तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, स्पेशली दिस पास्ता इन क्रीमी वाइट सॉस इज अमेजिंग, लेट मी ट्राई द ब्लू लगून। बहुत
बहुत रिफ्रेशिंग है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। और आज है ना इतना पूरा मिक्स होने वाला है ना, मालूम है, केरला फूड, इडली सांभर, पिज्जा, पास्ता, KFC एंड सबवे, तो सारे चीज़ों का आज घोटाला होने वाला है पेट में। चलिए ट्राई करते हैं नेक्स्ट आइटम जो मैंने ऑर्डर किया है KFC से। इसमें है 4 पीसेज ऑफ हॉट एंड क्रिस्पी चिकन एंड 6 पीसेज ऑफ चिकन विंग्स। सारे तो सेम ही दिखाई दे रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। बस एक का कलर थोड़ा सा रेडिश है और ये दूसरे का कलर थोड़ा सा वाइटिश है, और ये तो ट्राई करके ही पता चलेगा कि टेस्ट में कितना डिफरेंस है। बेवरेजेस में इस कॉम्बो में 3 ग्लासेस ऑफ पेप्सी दिए इन्होंने। डिप्स में है मेयोनेज और हॉट श्रीराचा। बहुत क्रिस्पी दिखाई दे रहा है और तोड़ने से बहुत ही जल्दी से टूट रहा है, तो काफ़ी टेंडर है ये, अच्छे से कुक्ड है लग रहा है। टेस्ट करके देखते हैं एक्चुअली कैसा है। तो चलिए देखते हैं कि ये चिकन हॉट एंड क्रिस्पी एंड चिकन विंग्स में क्या डिफरेंस है। ओके, विंग्स है बोन वाला एंड हॉट एंड क्रिस्पी चिकन है बोनलेस। जो चिकन विंग्स है वो बेटर है, थोड़ा सा हल्का सा फ्लेवर है उसमें स्पाइस का। जो हॉट एंड क्रिस्पी चिकन है बिल्कुल ब्लैंड है, उसमें फ्लेवर कुछ भी नहीं है, इट्स प्लेन बॉइल्ड। तो जिनको नॉन स्पाइसी वगैरह पसंद आता है उनके लिए वो बेटर है, जो हल्का सा स्पाइस प्रेफर करते हैं उनके लिए चिकन विंग्स बेटर। हमने जो इतना सारा खाना खाया और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं क्या मुझे सबसे अच्छा लगा वो बताने वाली हूँ, तो मुझे आज के इतने सारी जगहों में से जो सबसे अच्छा लगा वो दो चीज़ें थी। एक तो वॉका पास्ता का पास्ता इन क्रीमी वाइट सॉस, जो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर ट्राई कीजिए अगर आपको पास्ता पसंद है तो। और सेकेंड, जो मालगुड़ी में अप्पम दिया था वो बहुत ही अमेजिंग था। अगर आप ऑथेंटिक साउथ इंडियन अप्पम खाना खाते हैं तो आप उजियारा में आके मालगुड़ी का अप्पम ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आए। सारा खाना हमने फिनिश कर लिया है और मुझे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि मैं इतना सारा खाना कैसे खा लेती हूँ एक ही वीडियो में, तो नहीं भाई, मैं अकेले नहीं खाती हूँ, मेरी टीम होती है मेरे साथ, मेरी पूरी गैंग होती है और हम सब मिलके इसको फिनिश करते हैं। क्योंकि अगर मैं वीडियो में आपको एक या दो आइटम्स दिखाऊंगी तो वो वीडियो बनाने का फायदा ही क्या होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे जल्दी से लाइक करें और कमेंट करें कि आज की वीडियो में आपको सबसे अच्छा खाना कौन सा लगा है। शेयर करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ताकि इसे अच्छी अच्छी वीडियोस बना के मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दे सकूं ज्यादा से ज्यादा अच्छे अच्छे खाने और अच्छी अच्छी जगहों के बारे में। और मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो। फिर मिलेंगे अपने अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।